खबर जनपद चमोली से है, जहां आज डुमुक गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर गोपीनाथ मंदिर मार्ग से जिला अधिकारी कार्यालय तक विशाल रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और इस रैली में अपना समर्थन देने के लिए महिलाएं भी 18 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर मुख्य मार्ग तक पहुंची। बता दें कि डुमुक गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर पहले तो 111 दिन अपने ही गांव में धरना दिया था, वहीं जब मांग पूरी नहीं हुई तो पिछले 14 दिनों से जिलाधिकारी परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। अब ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि 17 सालों से भी सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक धरातल पर वह काम शुरू नहीं हो जाता, वे लोग अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मांग तो ये है, पहले लगा मैकोट टू बेम्बू नाम की जो सड़क है 2007-2008 से लंबित है, तो उसमें कई अड़चने आई और कई बार बिगाड़ में उसको लटकाया भटकाया। अब जो है कई कभी जो है तकनीकी पेंच फंसा करके ये हिसाब का बहाना बना करके कुछ इस प्रकार से उन्होंने भटकाया, परंतु अब हमारी और अब जो है वो डिपार्टमेंट जो है हैदराबाद से NGRI की टीम को बुला करके इसको तो दिखाना चाह रही है कि ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है। सड़क की जिसमें हमने रैली निकाली और ये मंदिर मार्ग से और कलेक्ट्रेट तक और भ्रष्टाचार का एक पुतला भी जलाया हमने जो बस स्टैंड पे जलाया, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो क्या हुआ, हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। देखिए, जो डुमक का रोड है PMGHY के अधीन है और कल वोट से डुमक के अलाइनमेंट को लेके ग्रामीण मेंशन पे बैठे हैं, और दूसरी मांग है कि NGRI हैदराबाद से जो सर्वेक्षण होना है वो अति शीघ्र करवाया जाए। तो इस संदर्भ में अधिशासी अभियंता PMGHY ने एक एस्टिमेट तैयार करके मुख्य अभियंता गढ़वाल को प्रेषित कर दिया है और मुख्य अभियंता गढ़वाल उसका परीक्षण उपरांत हायर अथॉरिटीज को भेजेंगे और जो भी निर्णय हायर अथॉरिटीज का होगा वो सभी को मान्य होगा और आशा है कि एक सकारात्मक परिणाम इसमें देखने को मिलेगा। और ये सब बातें हम लगातार ग्रामीणों से साझा भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं प्रोग्रेस डेली बेसिस पे, तो उम्मीद है एक पॉजिटिव आउटकम आएगा और ये धरना जल्दी समाप्त हो।